खवाय गयोरी, कछु बंधन तो खवाय गयोरी, चित चोर मेरो माफन खाय गयोरी, चित चोर मेरो माफन खाय गयोरी, चित चोर मेरो माफन खाय गयोरी। बाकी अदाओं से सब गोपियां मंत्र मुग्ध रहती है, दिन रात उसी का चिंतन करती है। वृंदावन की कुंज गलिन में, 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 तिरछी नजरिया, तिरछी नजरिया चला गयोरी, चोर मेरो माफन खाय गयोरी, चोर मेरो माफन खाय गयोरी, खाय गयोरी मुस्काय गयोरी, खाय गयोरी मुस्काय गयोरी, चित चोर मेरो माफन खाय गयोरी, चित चोर मेरो माफन खाय गयोरी। एक जगह कन्हैया ने माखन की चोरी की और चोरी करने के बाद देखा कि गोपी जगी नहीं। दरअसल गोपी सोने का नाटक कर रही थी और कन्हैया के बारे में सोचते सोचते सचमुच में सो गई। तो कन्हैया ने माखन का भोग लगा करके वापस जब जाने लगे तो देखा कि गोपी तो जगी नहीं। तो कन्हैया ने क्या किया, जाते थे उसकी जो चुटिया लटक रही थी ना, चुटिया समझते हो, बाल चुटिया, उसको पकड़कर खटिया से बांध करके निकल गए। आज तो अनर्थ हो गया, जब गोपी जगी तो क्या हुआ। सोती अकेली जान के मोह, 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 मेरी खटिया में, मेरी खटिया में, हरि वो ओ मेरी खटिया में चुटिया बंधाए गयो रे, चोर मेरो माफन, चोर मेरो माफन उड़ाए गयो रे, चोर मेरो माफन उड़ाए गयो रे, खाय गयो रे मुसे खाय गयो रे, चोर मेरो माफन खाय गयो रे, चोर मेरो माफन खाय गयो रे, चोर मेरो माफन खाय गयो रे, माखन चोर भगवान माखन लीला करके भी सुख को सुख देते हैं। भगवान बछड़ों को चराते हुए वत्सासुर का संहार करते हैं और वत्सासुर में
जो था वो कपट था, वत्सासुर के रूप में कपट आया। भगवान ने ये संकेत दिया कि देखो बच्चों का भोलापन बहुत जरूरी है, बच्चे भोले ही अच्छे लगते हैं, बच्चे मन के सच्चे अच्छे लगते हैं, अच्छे बच्चे लगते हैं, लेकिन बच्चों में कपट कहीं अच्छा नहीं लगता। बड़ा होने पर सब पता नहीं कैसे सीख जाते हैं, बच्चे सब अच्छे होते हैं, लेकिन कन्हैया ने देखा 100 बच्चों के बीच में एक कपटी बच्चा बनकर आया है, उसको खत्म कर दिया। भगवान की बाल लीलाओं से ब्रह्मा जी मोहित हुए, ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाल बाल बछड़ों को जाकर छुपा दिया पहाड़ों में, लेकिन भगवान ने देखा कि मेरे ग्वाल बाल नहीं रहे, बछड़े नहीं रहे, अब क्या करूं, क्या जवाब दूं लोगों को। भगवान खुद उतने बछड़े उतने ग्वाल बाल उतने लाठी और उतने कंबल भी बन गए और खुद सबको लेकर के आ गए वृंदावन। और यहाँ घर घर में अब आनंद है। एक वर्ष बीत गए, दाऊ भैया को संदेह हुआ कि भाई पहले तो रोज सखियां द्वार पर आती थी कन्हैया को देखने के बहाने, कोई न कोई बहाना लेकर आती कन्हैया को देखती, शिकायत करने के बहाने आती तो भी देखती, लेकिन आज एक वर्ष होने जा रहा है कोई गोपियां नंद राय के यहाँ नहीं आती, कोई यशोदा मैया के द्वार पर नहीं आती, पता है क्यों? किसी को फुर्सत ही नहीं है अपने लाल से। सब गोपियां पहले आती थी मैया के पास, देखती और अपने भाग्य को कहती, हे मेरा भगवान, हे मेरा भाग्य, हमारे भाग्य में कब ऐसा होगा जब मैं भी अपने जैसे मैया यशोदा कन्हैया को खिलाती है, काजल लगाती है, स्नान कराती है, मैं भी कभी कन्हैया को अपने हाथ से सेवा कर पाती। गौशाला में जाते तो गैया के थनों से दूध निकल कर बहने लगता, कन्हैया को देखकर गैया मैया मचल जाती, चाटने लगती अपने जिभ्या से, वो सोचती लाल मेरा बछड़ा बन जाता, और आज सबकी मनोकामना पूर्ण हो गई है, सबके घर घर में मेरे गोपाल सबके मनोरथ को सिद्ध कर रहे हैं। इसीलिए कोई द्वार पर नहीं आता। तो शक हुआ, आंख बंद करके जब देखा तो पूरे ब्रज में कन्हैया ही कन्हैया है। सुखदेव स्वामी की तो समाधि लग गई थी ये दृश्य को देख करके, कथा करते करते समाधि में चले गए कि मेरे प्रभु आज घर घर में है ब्रज में। संतों ने गंगा जल छिड़क करके वेद मंत्र का पाठ करके सुखदेव स्वामी को जगाया कि प्रभु तमें समाधि में जासो तो परीक्षित न सो थे, परीक्षित न कल्याण केवी रीति है, परीक्षित का क्या होगा, इसका कल्याण कैसे होगा, इसलिए आप समाधि से बाहर आइए। सुखदेव स्वामी बाहर आते समाधि से और फिर कथा सुनाते। बाद में ब्रह्मा जी को समझ में आया, आके देखा तो यहाँ तो कोई कमी नहीं है, फिर कंदराओं से उन ग्वाल बाल को लाकर वापस किया, क्षमा याचना की, ब्रह्मा जी लौट कर चले गए। भगवान की एक एक लीला आगे बढ़ती चली जा रही है। और एक बात बताऊं, यह वृंदावन में अच्छा जो यमलाल जिन वृक्ष निकले थे ना, उस वृक्ष की जड़ों से इतने हिंसक हिंसक जीव निकले, वृक्ष की जड़ से जंगली सुअर निकले, तमाम रात में खूब आवाज करते हुए पूरे गोकुल में नंद गांव में छा गए। तब सबने मिलकर विचार किया कि भाई हम लोगों को यहां से बाहर कहीं चले जाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों की संपत्ति क्या है, ग्वाल गाय और बाल बच्चे यही तो हैं, हम इसको लेकर के बाहर चले जाएंगे। तो नंद राय ने कहा वृंदावन चलेंगे, वहाँ हमारा पुराना हमारा मकान भी है, वहाँ जमीन भी है, सब लोग वृंदावन पधारे। और
आपको तो पता है वृंदावन में राज चले बरसाने वाले की, तो यहाँ तो बरसाने वाली है। कौन है? जो कृपा बरसाती रहती है। प्रेम से बोलो जय जय श्री राध। तो राधा रानी यहाँ की महारानी है। राधा रानी के साथ कन्हैया का जो प्रथम मिलन हुआ है, एक बार कन्हैया को गोद में लेकर नंद बाबा गैया चराने के लिए जा रहे थे और तभी क्या देखा कि तूफान आ गया, आंधी तूफान जोरों से आई, गैया सब डर गई, बादल गरजने लगा, बिजलियां दमकने लगी और अंधेरा सा छा गया। और उसी समय में अंधेरे में एक नई बिजली की तरह चमकते हुए श्री किशोरी जी पधारती है। नंद राय ने सहसा समझ लिया कि ये कोई अलौकिक शक्ति लिए हुए आई है। निकट आई तो देखा ये तो कौन हो, तो बोली मैं बरसाने से हूँ, वृषभानु की बेटी हूँ, मेरा नाम राधा है। अच्छा वृषभानु की बेटी, वो तो हमारे मित्र हैं। अच्छा बेटी तुम एक काम करो, थोड़ी देर लाला को पकड़ लो, मैं जरा गैयों को संभालने के लिए, गैया सब भटक गई हैं। हाँ बाबा ठीक है। सो कन्हैया को राधा रानी की गोद में दे दिया और राधा रानी ने कन्हैया को गोद में पाकर बहुत प्रसन्न हुई। बोले तुम चलो यशोदा के माँ हमारे घर पर चलो, मैं आकर तुम्हें पहुँचा दूंगी बाद में। सो राधा रानी ने नंद भवन की तरफ रुख किया। सो कन्हैया की लीला बड़ी, चारों तरफ पत्ते फैल गए, तूफान की वजह से कुछ दिखा नहीं, राधा रानी रास्ता भटक गई। सीधी सादी है किशोरी तो भटक गई, चली गई भांडीर वन में। वहाँ जब पहुँचती है तो कन्हैया ने अपने बदन को बढ़ा दिया, अपने शरीर को बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि राधा रानी से सहा ही नहीं गया, धरती पर रखा। जो ही रखा तो कन्हैया इतने बड़े हो गए, राधा रानी से चार अंगुल बड़े, राधा रानी से भी चार अंगुल बड़े हो गए। अब राधा रानी पहचान गई ये तो नित्य गोलोक निवासी और मेरे प्राण प्रीतम है। संकुचित हो गई राधा रानी। कन्हैया ने अपना हाथ फैलाया है श्री राधे करके, जैसे हाथ फैलाया राधा रानी सिमटना चाहती थी, बीच में ब्रह्मा जी खड़े हो गया करके कहा नहीं प्रभु ये नहीं चलेगा, ये लौकिक, यहां लौकिक लीला करने आप आए हैं ना, आप भले ही नित्य निकुंज विहारी हैं, विहारिणी हैं, नित्य गोलोक में आप नित्य साथी हैं, परंतु यहां तो आपको पहले विवाह करना पड़ेगा, परिणय करना पड़ेगा, तो आप लोग पहले विवाह करिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं, आप संकोच ना करें, मैं हूं करा दूंगा। कन्हैया से पूछा आपको पसंद है, बोले हाँ एकदम चकाचक, इनसे पूछो। राधा रानी की तरफ देखा कि आपको पसंद है, राधा रानी संकोच में सिर नीचे किया है, मौनम स्वीकार लक्षणम। सो बोले संकोच ना करो, मैं कन्यादान करूंगा। सब देवताओं को बुलाया ब्रह्मा जी ने, सारे देवगण आकाश मंडल में पधारे, गंधर्व आए, ढोल मजीरा नाम संकीर्तन सुंदर बाजे गाजे बजने लगे, पुष्प बरसाने लगे और ब्रह्मा ने वेद मंत्र का पाठ किया। धूमधाम से वहां गंधर्व रीति से कन्हैया का राधा रानी के साथ दिव्य विवाह संपन्न होता है। बोलो श्री राधे रानी की। आज श्याम श्यामा का सुंदर विवाह, कुछ काल तक ठाकुर वहीं रहे, बाद में कन्हैया को याद आई मैया की कि मैया परेशान हो रही होगी, कहा राधे रानी अब हमें मैया के पास पहुंचा दो। बोले कैसे पहुंचा दूं? बोले जैसे लाया था वैसे पहुंचा दो। बोले लाया था तब तो आप इतने से थे और अब तो आप बहुत बड़े हो गए, मैं कैसे? बोले मुझे गोद में ले लो। बोले गोद में, पत्नी कभी पति को गोद में लेती है? मैं क्या लगती हूँ आपको, ऐसे कहेंगे? बोले कोई बात नहीं, ये तो लीला है,
कन्हैया तुरंत छोटे हो गए और फिर से कन्हैया को लेकर राधा रानी पहुंचा देती है। मैया यशोदा ने राधा रानी को देखा तो बड़ा स्वागत किया, प्यार से पूछती है कौन हो, बोलती है कि मैं तो कीर्ति की बेटी हूँ, वृषभानु किशोरी कीर्ति कुमारी। अच्छा कीर्ति बहन तो मेरी बचपन की सहेली रही है, हम दोनों आपस में जब खेलते थे वो कहते थे कि तुम्हारा लड़का हो मेरे पास यदि लड़की हो तो आपस में हम दोनों को विवाह करवा देंगे। देखो बेटी यही तुम्हारा ही घर है, तुम आते जाते रहो। राधा रानी को नहलाया, स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाया, श्रृंगार कराई, राधा रानी को सजा दिया है। राधा रानी सजने के बाद बहुत सुंदर लगती है और सो कन्हैया पालने में लेटने के बहाने मुंह उठा उठा कर देखे राधा रानी की तरफ कैसी लगती है और मैया कैसे स्वागत करती है। प्यार से भोजन कराई, अपने हाथों से गुजार कोर खबड़ाई और ओ हर सासू मैया अपने बहुओं के लिए कंगन रखती है, ऐसा कुछ नियम है चूड़ला या क्या बोलते हैं, ओ निकाल कर लाई तू पहन ले बहुत अच्छा लगेगा। यानी मैया ने आंचल फैलाकर नारायण से लक्ष्मी भगवान लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करती है, प्रभु मेरे कुल देवता मेरे इष्ट बहु मिले। तो राधा रानी ऐसे ऐसे आंचल फैलाया, ऊपर से पुष्प गिरा है, देवताओं ने पुष्प बरसा करके अभिनंदन किया, मैया तुम्हारा वचन सत्य हो। मैया तो बहुत खुश होती है। बाद में नंद राय आते हैं और राधा रानी को पहुंचा दिया है। अब कन्हैया को राधा रानी की बात याद आती है तो कन्हैया मैया से कहते हैं कि मैया मैया अच्छा आसपास में कहीं विवाह हो तो बच्चों को बड़ा उत्साह रहता है, भाई सबका विवाह हो रहा है तो मेरा भी होगा। बोले हाँ होगा, कब होगा? तो बड़ा प्यार से कन्हैया मैया से कहते हैं कि मैया मेरा विवाह कब होगा? मैया कर दे मेरो ब्याह, तेरो ब्याह करा दो? बोले हाँ करा दो। तो कैसी बहू चाहिए तुम्हें मैया? तुम्हारे जैसी? बोले ना मैं तो कारो कारो हूं, दुल्हन गोरी गोरी चाहिए, इसलिए कहा मंगाई दे दुल्हन गोरी सी, मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाई दे दुल्हन गोरी सी, मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाई दे दुल्हन गोरी सी, मैया कर दे मेरो ब्याह। आज कन्हैया को लगा कि ये लोग मेरा ब्याह कराएंगे कि नहीं कराएंगे, इसलिए कन्हैया अपने विवाह के लिए पूरी तैयारी मन में करके रखे। कहो कि न मानो बात बात साँच कहो, मेरी बात मानो और मेरी पाकी प्रीत बढ़े नित चंद्र चकोरी सी, मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाई दे दुल्हन गोरे से, मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाई दे दुल्हन गोरे से। Yeah.
बाद बरसाने से फिर शुभानुर आए घूमने के लिए आए ब्रज में। वृषभानु ने जब कन्हैया को प्रथम बार देखा, देखते ही मन मोहित हो गया और नंदराय से कहा कि नंदराय जी, हमारे विचार से मैं अपनी लली का विवाह तुम्हारे लाल से पक्का कर दूं। नंदराय ने कहा, जरा विचार कर लीजिएगा, आपकी बेटी बड़ी है उम्र में और मेरा लाला तो अभी छोटा है। बोले, कोई बात नहीं, छोटे बड़े का भेद हमारे यहाँ नहीं होता है, हमारे यहाँ तो प्रेम मिलना चाहिए, मन मिलना चाहिए, कुंडली मिले चाहे ना मिले, लेकिन मन मिलना चाहिए। और हम सब का विचार मिलता है, सगाई समझ लो पक्की है। सो उन्होंने नेक दिया, लाला के हाथ में फल दे करके, कुछ दक्षिणा दे करके तिलक कर दिया कि सगाई पक्की हो गई और जाकर चले गए। बाद में जब पता चला किसको, कीर्तिजू को, कि मेरी लाली की सगाई पक्की हो गई, पूछा कि अजी आपने देखा कि नहीं, घर पर ठीक है कि नहीं, कैसे घर में कर दिया। तो वहां जो उनके साथ में काम करने वाली थी, काम वाली, उसने कहा कि ये तो नंदराय के घर में करके आए हैं, तो नंदराय तो छोटे गांव के मुखिया हैं और वृषभानु जी तो 22 गांव के मुखिया हैं, तो छोटे घर में बेटी जाएगी तो काम करते करते परेशान हो जाएगी। तो वो कीर्तिजू को बड़ा अच्छा नहीं लगा, तो कहने लगी उनसे कि अजी आप देखते सुनते कुछ नहीं, कहीं भी कर देते सगाई। बोले, अरे वो ऐसे वैसे नहीं है। बोले, हमने सुना है वो गरीब है। वृषभानु ने कहा, हम जानते हो गरीब नहीं है। तो उसने क्या किया, अपने खजाने में से 5 रत्न निकाले और निकाल करके दिया कि जाइए ये रत्न वहाँ भेज दीजिए और नंदराय से कहिए कि इन्हीं रत्नों की पूरी माला बना करके अपनी बहू के लिए भेज दे तो सगाई पक्की मानी जाएगी, वरना सगाई खत्म। इत बड़ा अनर्थ हो गया। 5 रत्न पहुँचे नंदराय के पास। नंदराय ने कहा कि भाई देखा, ये रत्न ऐसा वैसा तो था नहीं, ये तो राधा और श्री कृष्ण के विवाह के समय ब्रह्मा जी ने अपने मुकुट से निकाल करके दक्षिणा में दिया था राधा रानी को विवाह में, वो रत्न यहाँ कहाँ मिलने वाला था। सो नंदराय उदास हो गए। गांव के 4-5 लोग बैठे थे। कन्हैया ने देखा कि बाबा उदास है, कोई ग्वाल बाल से पूछा। ग्वाल बाल ने कहा कि कन्हैया तेरी सगाई टूट जाएगी। ऐसे कैसे टूट जाएगी? बोले, देखो तो बाबा से पूछो। आए, बाबा मेरे ब्याह नहीं होगो? बाबा ने कहा, नहीं, कैसे नहीं होगी? बोले, तुम्हारी सगाई कच्ची है। कच्ची कैसे, सबकी सगाई पक्की होती, मेरी कैसी कच्ची हो गई? हाँ, कोई कच्ची मिट्टी की हम थोड़ी बने जो सगाई टूट जाएगी, ऐसे कैसे टूट जाएगी? तो बाबा ने कहा, देखते नहीं हो ये 5 रत्न तुम्हारे ससुराल वाले ने भेजे, ससुर जी ने, और तुम्हारी सासु मैया की डिमांड है यहाँ की पूरी माला बनाए के भेज देवे बहू रानी ताई, तब तो सगाई पक्की है वरना सगाई कच्ची। बोले, भेज दो, यहाँ में क्या है, भेज दो। बोले, कैसे भेज दें? अपने खजाने से निकाल कर दे दो। बोले, खजाने में एक भी रत्न ऐसा नहीं। कन्हैया ने कहा, बाबा चलो, कहाँ खेती करेंगे, रत्नन की खेती करेंगे, रत्न की खेती कहीं होती है? बोले, हाँ करेंगे। बोले, जैसे गेहूं की खेती होती है, धान की खेती होती है, चने की खेती होती है, वैसे रत्न की खेती कर लेंगे।
जाने कैसा रत्न था। वैसे वैजयंती आदि रत्नों की खेती तुमने भी देख ली है, कुछ ऐसा रत्न रहा होगा, लेकिन प्रसिद्ध नहीं था कि खेती होती है। सबके लिए लगता था असंभव है। कन्हैया बाबा का हाथ पकड़ करके ले जाने लगे खेत में, यमुना जी के किनारे ले गए और अनेकों ग्वाल बाल वहाँ गए, नंद राय के मित्रगण सब गए। कन्हैया पर भरोसा सबका था, चूंकि नामकरण संस्कार करते समय गर्गाचार्य ने कहा था कि ये कोई ऐसा वैसा नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है, इनकी हर बात को मानना, सब मानते थे। गए, बोले इसको रोप दीजिए जमीन में। पांचों रत्नों को पांच जगह में मिट्टी के नीचे गाड़ा और कहा कि आप सब जल इसमें सिंचन करिए। किसी ने उनकी बात नहीं मानी, बोले अरे हमको लगता ये होना ही नहीं, ये तो फालतू की बात है, रत्न की कहीं खेती होती है, कोई विश्वास ही ना करे। कन्हैया तब खुद गए जल लेने, अपने चुल्लू में जल भरते और ठुमक ठुमक करके जब तक आते तो जल तो रास्ते में गिर जाता, एक दो बूंद आता। कन्हैया पसीना पसीना हो गए, तब ग्वाल वालों को लगा कि अरे हमारा लाला इतना परिश्रम करता है, चलो साथ देते हैं। फिर सबने जल लाला करके अपने, कन्हैया ने कहा अपने अपने पितरों का नाम लो और पानी डालो इसमें, तुम्हारे पितरों का भी कल्याण होगा। और सबने जल डाला और वह जल देने के बाद घर आए। कुछ दिन के बाद, 3 महीने बीतने के बाद, कन्हैया ने कहा बाबा चलो देखे रत्न की खेती हो गई होगी। किसी को भरोसा तो होता नहीं था, लेकिन लाला ने कहा है तो चलना है। आए देखा तो बड़े बड़े वृक्ष हो गए थे रत्न के, और सब में उतने पूरा रत्नों से लदा हुआ वृक्ष भरा हुआ। बोले बाबा रत्न मिलाओ वही है कि नहीं? बोले लाला वही लग रहा है। बोले और क्या, आम बोएंगे तो क्या इमली निकलेगी? आम का आम ही होता है, तो हमने रत्न बोए तो रत्न हुए हैं। अब भेज दो जितनी मर्जी उतनी बना ले माला, वही हमको बनाने का टाइम नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। सो नंद राय ने गाड़ी लगवाई, बरत गाड़ो बैलगाड़ी, और उस पे लोड करवाए सारे रत्न भर करके। 5 माला की बात कौन कहे, 17 गाड़ियां भर करके भेज दिया द्वार पर। और गाड़ियां जब द्वार पर लगने लगी तो वो पूछने लगी, दौड़ करके वो जो नौकरानी थी उसने देखा कोई गाड़ी आई द्वार पर, रत्नन से भरी हुई गाड़ियां, दौड़ कर गई भीतर। अरे महर सुनो, देखो तो उसे रत्न की गाड़ी आई, दौड़ के आई। कीर्ति जो कहाँ से आई? बोले नंद राय के घर से आई है। नंद राय के घर से कितनी, इतनी गाड़ियां ये रत्नों से भर करके? देख करके आंखें फटी की फटी रह गई, इतना रत्न, कहते थे कि गरीब है। अब तो दासी माफी मांगे, क्षमा 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 क्षमा, लेकिन तुमने अच्छा नहीं किया, नंद राय के प्रति मेरा भरोसा जो खराब किया, तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। बाद में सगाई पक्की समझी गई। कन्हैया आए दिन राधा रानी से मिलते और ब्रज में अनेक प्रकार की लीला करते हुए वत्सासुर, धेनकासुर, प्रलंबासुर आदि अनेक असुरों का वध किया, और भगवान ने गायों की रक्षा के लिए देखा वह विषैला जल है, काली नाग जो रमणक द्वीप से भाग करके आया हुआ था, गरुड़ के भय से रमणक द्वीप से आया हुआ काली सर्प वहां यमुना के एक तलाटी में रहता, उस तलाटी का पूरा जल दूषित हो गया, इतना दूषित कि जो पिए वो मरे, लेकिन जो पक्षी ऊपर से उड़कर जाए वो भी मर जाए। आखिरकार कन्हैया ने उसको शुद्ध करने का संकल्प लिया। एक दिन गैया चराने के लिए नंद बाबा को बस दाव भैया को साथ में नहीं लिया, अकेले गए ग्रुप बनाकर, और वहां जाकर के यमुना के किनारे काली दह के पास में कन्हैया ने बॉल खेलने का काम किया, गेंद खेलने का, और गेंद अपनी बारी आई तो फेंक दिया यमुना में।
अब तो सारे ग्वाल बाल ने कहा कि इसने फेंका, इसने फेंका, इसने फेंका। कन्हैया ने कहा भाई दूसरी बॉल ले लेना। बोले ना, मुझे तो यही बॉल चाहिए। सब लड़के जिद में आ गए, चाहे जो हो जाए मुझे तो वही बॉल चाहिए। कन्हैया ने कहा तो ठीक है, मैं चढ़ता हूँ कदम्ब पर, मैं कूद जाऊँ। सो लोगों को विश्वास नहीं हो गया कूद सकता है, और कन्हैया सबके देखते देखते काली दह में कूद गए। स्वामी जी बहुत अच्छा भजन गाते हैं काली दह पे। कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, जमुना में कन्हैया लेके मुरली। लेके मुरली ओ काना लेके मुरली, लेके मुरली ओ काना लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली। दिल में ग्वाला रोवे सारे, कूद पड़े बनवाली दिल में ग्वाला रोवे सारे, ओ कूद पड़े बनवाली दिल में ग्वाला रोवे सारे, कूद पड़े बनवाली दिल में ग्वाला रोवे सारे। कोई ग्वाल तो घर को भागे यशोदाया के पुकारे, जल में कूद धर जइया लेके मुरली, जल में कूद धर जइया जमुना में कन्हैया लेके मुरली, मैया यमुना तट पर आई, भागी डोरी यशोदा मैया यमुना तट पर आई, भागी डोरी यशोदा मैया यमुना तट पर आई, भागी डोरी यमुना मैया यशोदा तट पे आई, मुझे छोड़कर कहाँ चले हो छोटे कृष्ण कन्हैया, मुझे छोड़कर कहाँ चले भाड़ी भाड़ी रोवे तेरी मैया लेके मुरली, भाड़ी रोवे तेरी मैया लेके मुरली।
कृष्ण गए पाताल लोग वाना गिन बैठी पाई। कृष्ण गए पाताल लोग वाना गिन बैठी। कृष्ण गए पाताल लोग वाना गिन बैठी पाई। कृष्ण गए पाताल लोग वाना गिन बैठी पाई। नागिन तेरा नाग जगा दे, नागिन तेरा नाग जगा दे। बोले कृष्ण कनाई, ओ हो बोले कृष्ण कनाई, गेंद दे तेरी नागनिया देके बोली, गेंद दे तेरी नागनिया देके बोली। पातल माजे नागनाथ नागनियों ने दर्शन दी, कामड़ वारो लायो रे, कामड़ वारो लायो रे। उतारो आरती श्री कृष्ण गए श्री कृष्ण घर आया, माता यशोदा तुवर का कन्हैया जल के भीतर में प्रवेश किए, वहां नाग पत्नियां थी। नाग पत्नियों ने कन्हैया को समझाने का प्रयास किया। नाग पत्नियों को बड़ा अच्छा लगा कन्हैया का स्वरूप, लेकिन चर्चा हो रही थी तभी नागराज जग गया। उसने कहा, कौन है, किससे बात कर रही है? कृष्ण ने कहा कि मैं पृथ्वी का भार हरने वाला श्री कृष्ण हूं। नाग ने कहा, यहाँ आता कोई अपने मन से जरूर है, लेकिन जाता नहीं है जीवित, तो यही समझ लो कि अब यहाँ से जा नहीं पाओगे। कन्हैया ने कहा, ये तो बाद ही समय ही बताएगा कौन जाएगा कौन रहेगा, लेकिन मेरा इतना कहना है कि मैं तो जाऊँगा लेकिन तुम यहाँ नहीं रहोगे, तुमको यहाँ से जाना पड़ेगा। मैं तो जाऊँगा, तुम भी जाओगे? बोले, ना मैं नहीं जा सकता, मुझे भेजने वाले तुम हो कौन? फिर क्या था, वो फुफकारने लगा। कन्हैया ने गेंद तो ले ली, लेकिन उसने कन्हैया को बांध लिया अपने पूरे फणों से, लपेट लिया। जब लपेटा तो कन्हैया ने अपने शरीर को बड़ा किया, जैसे बड़ा किया उसकी नसें ढीली पड़ गई, उसने छोड़ दिया, फुफकारने लगा। कन्हैया उसके फणों पर चढ़ करके नाचने लगे। ऐसा नृत्य देवताओं ने भी ताल में ताल लगाए, स्वर में स्वर लगाए और गाजे बाजे बजने लगे। सुंदर नृत्य हुआ और इस नृत्य के बाद बैठो बैठे अभी होगा, अभी अभी गोवर्धन लीला बाकी है, वहां तक पहुंच जाए फिर करना ये सब। अभी बैठो, अभी शांति से बैठ जाओ, थोड़ी देर और, थोड़ी बार पछी। और नागों को वश में करके उसको वापस कहा कि भाई तुम यहाँ से वापस चले जाओ। वो डरा, कन्हैया ने कहा, तुम्हारे माथे पर मेरे चरण चिन्ह है, अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम रमणक द्वीप चले जाओ। कन्हैया ने
स्वच्छ कर दिया, वातावरण को पवित्र कर दिया। उस रात में सारे ग्वाल बाल, मैया यशोदा, वसुदेव देव, नंद बाबा, सबके सब वहीं यमुना जी के तट पर ही सो गए। कंस को मालूम पड़ा तो उसने जंगल में आग लगवा दी और आसपास के सब झाड़ियों में आग लगवा दी ताकि सब जल कर वहीं समाप्त हो जाए। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई, भगवान ने किसी को पता भी नहीं चलने दिया और सारे के सारे अग्नि का खुद ही पान कर लिए। भगवान की बड़ी सुंदर लीला हो रही है। भगवान ने ब्रज में वेणुनाद किया, अपने भक्त सखाओं को सुनाया ब्रह्मनाद, मतलब ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मनाद को फूंक दिया है वेणु के माध्यम से, बांसुरी के माध्यम से, यानी सबको संकेत दिया है आप अपनी अपनी डफली मत बजाओ, मैं जो स्वर भर दूं वही गाओ, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। चाबी भर दिया भगवान ने, उतना ही करना है, समर्पित हो जाना है। और अब भगवान सब सखाओं को लेकर के गिरिराज गोवर्धन की शरण में जाना चाहते हैं। सो एक दिन की बात है, ब्रज में उत्सव का माहौल था, हर घर में माताएं पकवान बना रही थी और कन्हैया को भूख लगी। मैया के पास गए, मैया ने देखा कि कन्हैया आ रहे, कहीं जूठा ना कर दे, सो दूर से कहा, लाला वहीं रहना, इधर मत आना, आज पकवान बना रहे, पूरा हो जाए काम तब भोग लग जाए। सो कन्हैया को लगा कौन है ये, नंद बाबा के पास गए, पूछा, बाबा ने कहा आज इंद्रदेव की पूजा हो रही है। इंद्रदेव का अभिमान कन्हैया के समझ में आया कि इंद्र जबरदस्ती अपनी पूजा करवाता है। कन्हैया ने कहा अपने भक्तों से कि देखो, अनुयायियों से कि देखो, दुनिया में पूजनीय तीन ही पदार्थ हैं, जो जगत में प्रत्यक्ष देवता है वह है माता, पिता और गुरु। इन तीनों के बाद जो है वो है अपना भगवान, इष्ट, बाकी जगह जाना तो अच्छा ही नहीं है। और ये संसार के लोग लोभ में आकर के, लालच में आकर के, न जाने कहाँ कहाँ नाक रगड़ते, कहाँ कहाँ कितनी कितनी जगह जाते, आज इसकी पूजा कल उसकी पूजा कल उसकी पूजा। भगवान ने कहा इस लालच का खंजर फेंको, आओ एक मिल करके अपनी प्रकृति के शरण में आओ। गिरिराज गुरु तत्व है, कन्हैया ने शिक्षा दिया कि भगवान गुरु से भी ऊंचा स्थान, भगवान से भी ऊंचा स्थान गुरु का है। क्यों? गुरु ही होते हैं जो भगवान को प्रकट करा सकते हैं। देखो भगवान शेष सैया पर सोते हैं कि नहीं, शेष क्या है, शेष गुरु तत्व है, जिनकी गोदी में भगवान सोते हैं। गुरु का तिरस्कार, गुरु का अवमान भगवान भी ना कर सकते। भगवान भी जिसको मिलना होता है पहले गुरु से मिलवा देते हैं, इसलिए सब गुरु तत्व गिरिराज गोवर्धन की शरण में आइए। और गोवर्धन जो गिरिराज है, यहां तो उसको भी देवता कहते हैं, ये प्रत्यक्ष देवता है कलयुग में, इसलिए सब चल करके उनकी शरण में चले, उनकी पूजा करेंगे। नंद राय ने कन्हैया की बातों में विश्वास किया और सभी जितने गोप थे, ग्वाल बाल थे, सबको लेकर के, सब मिलजुल करके गिरिराज गोवर्धन की शरण में आया है, सब आए हैं। और हम सब भी अब गिरिराज गोवर्धन की शरण में आए हैं। गिरि यानी पर्वत और वृक्ष का समुदाय, वृक्ष नहीं होंगे ये पर्वत नहीं होंगे, और पर्वत नहीं होंगे तो
तो धरा स्थिर नहीं रहेगी, धरा स्थिर नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे। इसलिए सबको अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए वृक्षारोपण जरूर करें, सब कोई अपने अपने घरों में, घर के बाहर वृक्ष जरूर लगाइए। पूरा जितने जिसको जितने पुत्र हो, पुत्रियां हो, कम से कम उतने वृक्ष आप जरूर लगाइए, ताकि आपका वंश आगे बढ़ता रहे। वंश को बढ़ाना चाहते हैं तो आप वृक्ष का रोपण जरूर करिए। भगवान ने प्रकृति की पूजा करने का संदेश दिया है, प्रकृति हरी भरी बनी रहे, शस्य श्यामला बनी रहे, धरती उन्नत उर्वरा संपन्न बनी रहे, सबका कल्याण हो। इसलिए गुरु गिरिराज गोवर्धन की शरण में आए, तो अब हम लोग गोवर्धन की शरण में आते हैं। माखन मिश्रे लेने आव्या, माखन मिश्रे लेने आव्या, गिरिराज ने पूजा करवा। ओ माखन मिश्री लेने आव्या, माखन मिश्री लेने आव्या, गिरिराज ने पूजा करवा, गिरिराज ने पूजा करवा।
हमारे माथे छे यमुना जी नी हेलरी ए मारे माथे छे यमुना जी नी हेलरी घेर जाओ गम तो नथी अबे गाये तुहार बिना आविया हबे गाये तुहार बिना आविया घर जावे गम तो नथी अबे गाये तुहार बिना आविया घर जावे गम तो नथी हबे जो जो बाछड़ रार खेल रे घेर जाब गम तो नथी जो जो बाछड़ राना खेल रे घेर जाब गम तो नथी ओ रसियो रो पारो रंग रेवा घेर जाब गम तो नथी ओ रसियो रो पारो रंग रेवा घेर जाब गम तो संभाल Thank you.
माखन की हो आई माखन के चोरों की सेना जरा बच के संभल के जी रहना बड़ी नटखट है फौज कहीं आई जो मोर बड़ी नटखट है फौज कहीं आई जो मोर नहीं बचने का कोई भी ताला કનૈયા લાલ કી. હવે આપણે આરતી નો ટાઈમ થયો છે.